नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, CBSE ऑल इंडिया क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है और इस बार क्लास 12th का रिजल्ट पिछले कुछ सालों के रिजल्ट से काफ़ी बेहतर है। इस बार पासिंग परसेंटेज भी बड़ी है और 95% प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर भी बड़ा है। इसी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ हाई आने की संभावना है और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी की भी हाई कट ऑफ लिस्ट निकलने की संभावना है। और यह सिचुएशन ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ी सी और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 23 ऑल इंडिया टॉपर्स में से 21 स्टूडेंट्स अकेले ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से ही हैं। 17,690 स्टूडेंट्स वह हैं जिन्होंने 95% प्लस मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। अगर हम 100 में से 100 मार्क्स लाने की बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो 1,818 स्टूडेंट्स वे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में, 660 स्टूडेंट्स वे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, 577 स्टूडेंट्स वे हैं जिन्होंने हिस्ट्री में और 659 स्टूडेंट्स वे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में परफेक्ट 100 स्कोर करा है। 2 ऑल इंडिया टॉपर्स करिश्मा अरोड़ और हंसिका शुक्ला ने 499 मार्क्स सिक्योर करे हैं आउट ऑफ 500। और अगर हम बात करें करिश्मा अरोड़ा की, तो करिश्मा अरोड़ा ने ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। वह साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ना चाहती हैं। इसी वजह से बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस इस बार हाई फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का प्लान कर रहे हैं, जबकि कई कॉलेजेस का यह मानना है कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन करें, देखें किस तरह के स्टूडेंट उनके कॉलेजेस में अप्लाई करने वाले हैं, उनकी क्या परसेंटेज है, उसके बाद वे कट ऑफ लिस्ट का डिसाइड करेंगे। बहुत सारे रिप्यूटेड कॉलेजेस के सीनियर ऑफिशियल्स और बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट काफ़ी हाई निकल सकती है। ऐसे में हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब संभावनाएं हैं, अटकलें हैं। जब भी रिजल्ट अच्छा आता है, इसी तरह की बात की जाती है। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का वेट करें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जून में आएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक ही कट ऑफ लिस्ट नहीं आती, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत सारी कट ऑफ लिस्ट आती हैं। इसीलिए कट ऑफ लिस्ट का इंतज़ार करें। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जहां एंट्रेंस की बेस पर एडमिशन मिलता है, तो आप फाइनल करें, डिसाइड करें कि आप कौन से ऐसे कोर्स का एंट्रेंस देना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस ऑफर भी कर रहे हैं। अच्छी तरीके से मेहनत करिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का अपने सपने को साकार करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।